वेलकम माई ब्लॉग कुक विद तिवारी जी। आज मैं आपको कच्चा पपीते की सब्जी बनाने के बारे में बताऊं, यानी हरा पपीता। वो बनाने के लिए हमको देखो कैप्सिकम और ऑनियन, टमाटो और चिली, इसका मसाला बनाएंगे। एक कैप्सिकम डालेंगे हम इसमें, दो चार हरी मिर्ची डालेंगे और पपीता को ऐसे छील लेंगे एकदम बारीक करके। पपीते का बाहर का छिकल निकाल लेंगे और इधर हम मसाला पहले तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे, दो चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा तड़का आ जाए तो उसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन अगर हमने एक गांठ लहसुन लिया और दो इंच अदरक है, इसको हल्का सा हम सौंधा कर लेंगे। ये जस्ट इसका जो स्मेल है वो मरना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑनियन और इसको अच्छी तरह से फ्राई करके टमाटो इसका एक पेस्ट बनाएंगे हम बाद में। ये हमने ऑनियन डाल दिया, ऑनियन हमने एकदम लंबा लंबा काटा है और दो चार हरी मिर्ची और कैप्सिकम। अब इसको थोड़ा हल्का सौंधा करेंगे, फिर इसके ऊपर डालेंगे टमाटो और इसका एक बारीक पेस्ट बनाया जाएगा जो हमारा ग्रेवी के काम आएगा। ये ग्रेवी के लिए बना रहे हम पपैया की सब्ज़ी ग्रेवी वाला बना रहा हूँ। अदरवाइज ड्राई भी बहुत अच्छा बनता है सूखी सब्ज़ी, वो मैं आपको फिर अगले वीडियो में बताऊंगा कि सूखी सब्ज़ी कैसे बनाएं। इसमें हमने आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और हल्दी डाला है और नमक एज ए टेस्ट आप डाल सकते हैं। तो ये आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और थोड़ा हल्दी डाली है कलर के लिए। ये हमारा मसाला भी पक गया है, अब इसको हम ठंडा होने कर रख देते हैं। तब तक हम अपना पपीते को एकदम उसका कटिंग करेंगे और पपीता एकदम बड़ा नहीं, छोटा छोटा पीस बनाना है और उसको काट के उसका अंदर का वो निकाल लेंगे, जो सॉफ्ट पार्ट रहता है वो निकाल लेंगे, यानी जो बीज वाला पार्ट रहता है। इससे पहले हमने स्किन निकाल लिया, फिर इसका लंबा लंबा और इसके अंदर का हम लोग ये निकाल रहे हैं बीज वाला, तो इसका एकदम छोटे छोटे पीसेस बन गए। इस तरह से हम पूरा पपीते को काट लेंगे एकदम छोटे छोटे पीस करके। और उधर एक कढ़ाई हम तेल रखेंगे, उसमें दो चम्मच, और उसको गर्म करेंगे। उसमें अभी हम सबसे पहले थोड़ा राई, फिर जीरा, एक तेज पत्ते को तोड़ के डालेंगे, चार से पांच लौंग, इलायची और एक पीस छोटा दालचीनी, और चुटकी भर हमने डाला मेथी, आधा चम्मच अजवाइन और हींग डालेंगे थोड़ा, यानी आधा चम्मच हींग भी पड़ेगा इसमें, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और ये, और ये जो हमने पपीता है इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, पपीते में पानी छोड़ देना चाहिए, एकदम ऑयल देखना चाहिए इतना हमको इसको फ्राई करेंगे एकदम। इसको एकदम फास्ट गैस में, ये देखिए इसको हम एकदम फ्राई करेंगे, कलर चेंज करने लग गया पपाया। अब इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे, ये डाला हमने कस्तूरी मेथी इसमें, फिर और इसको भुना जाएगा और वो हमने जो ग्रेवी का मसाला बनाया वो हमारा तैयार हो गया है। हमने मिक्सी में पीस लिया एकदम बारीक, देखिए पपीते ने कलर चेंज किया। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अप्रोक्सली एक स्पून हमने एक कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला और आधा चम्मच करीब हल्दी डाला है, क्योंकि हल्दी हमारे मसाले में भी है इसमें भी है, तो हिसाब से हल्दी आप अपने हिसाब से डालें। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, जो कि तेल छोड़ना चाहिए इसमें नीचे जब ऑयल दिखने लग जाए तो उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। ये देखिए पूरा ऑयल छोड़ दिया उसने, आप देख रहे हैं नीचे से पूरा ऑयल है। अब इसमें पड़ेगा मसाला जो हमने फ्राई करके पीस के रखा है, टमाटो, कैप्सिकम और ऑनियन, और इसमें हमने थोड़ा सा दालचीनी भी पीस रखा है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है एकदम यम्मी। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी हमने गरम डाल रहे हैं, वो मिक्सी को ही हम उसको करके मसाला भी आ जाता है तो वो डाल लेंगे। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास इसका कलर देखिए, अब इतना बढ़िया आ रहा है। तो अब इसको हम एकदम मीडियम आंच में इसको हम पकाएंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकेगा ये। और इसको अभी हम ढक दिया हमने, 5 से 10 मिनट तक ये आराम से पक जाएगा। अभी देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया साइड से, देखिए अब कितना मस्त एकदम ऑयल वगैरह छोड़ दिया है इसने। तो हमारी सब्ज़ी तकरीबन रेडी हो गया है।
अभी इसमें हम डालेंगे किचन किंग मसाला, गरम मसाला के बाद गरम मसाला नहीं किचन किंग मसाला डालेंगे, या अप्रोक्सी 1.5 स्पून के आसपास हम डालेंगे इसको। और उसके बाद 2 से 3 मिनट इसको स्लो फायर में पकाएंगे और 2 हरी मिर्ची इसके ऊपर काट के छोड़ देंगे, हरी वाली एकदम साबुत मिर्ची, जो उसका जो टेस्ट है वो अलग ही एकदम होएगा। मिर्ची हमने पहले भी डाली है लेकिन ये 2 मिर्ची हमने बीच से काट के इसके ऊपर डाल दिया। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए हमारे सब्जी तैयार है कच्चे पपीते की, उसमें हरा धनिया आप डालें अपने टेस्ट के अनुसार, चाहिए तो थोड़ा बटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। हमारा सब्जी तैयार हो गया, आई होप यू लाइक। सो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।